स्टूडेंट, आज सॉलिड स्टेट का मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूं। आज के दिन आज के वीडियो में चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इस चैप्टर में प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ही बताना है। तो मैं कल पिछले वीडियो में बताया था प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। आज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड दो पे बताना है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और दूसरा डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। क्लियर हो रहा है? तो जो हेडिंग होगा वह हेडिंग होगी बी करके, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। किस आधार पर? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर हो रहा है? तो हम प्रॉपर्टी सॉलिड की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं या क्लासिफाई कर रहे हैं किस आधार पर? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर। ठीक है ना? देखो, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड जनरली चार प्रकार का होगा। आप कुछ जानते भी होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया भी हूं, चार क्या पांच प्रकार का। ठीक है, एक होगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दूसरा होगा पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा क्या है? पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये दो तो आपको मालूम ही होगा। तीसरा है फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। चौथा एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और चौथा है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर हो रहा है? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड जनरली चार प्रकार का हो रहा है, सॉरी पांच प्रकार का हो रहा है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा क्या है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा क्या है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, चौथा क्या है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड लास्ट वन इज फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो एग्जाम्स में या कंपटीशन में पहचानना होता है कि कौन सा डाया है कौन सा पैरा है, फर्स्ट ईयर में सिखाया भी था। ठीक है, तो अब जो हेडिंग होगी एथिलीन का डेफिनेशन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि आज का वीडियो छोटा होगा क्योंकि टॉपिक ही समाप्त कर दूंगा आज पूरा चैप्टर। ठीक है, तो अगली हेडिंग होगी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर हो रहा है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वह सब्सटेंस होता है जो चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित रिपेल्ड होता है। मतलब दो सब्सटेंस विच इज रिपेल्ड बाय, प्रतिकर्षित बाय या प्रतिकर्षित होता है किसके द्वारा? चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो परिभाषा एक लाइन का क्या है? रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। वह सब्सटेंस जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, NaCl, बेंजीन एसेट्रा। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वह सब्सटेंस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या होता है? रिपेल्ड होता है। ठीक है, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास क्या होगा? ओनली कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है? मतलब वह सारे सब्सटेंस डायमैग्नेटिक कहलाएंगे जिनके पास क्या होगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? युग्मित, पेयर्ड में होंगे, वह क्या कहलाएंगे? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर हो रहा है? तो दो सब्सटेंस विच इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड कंटेन ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर? ठीक है,
इसको लिख लीजिएगा, दूसरी जो दूसरा जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है बेटा, रहा हूँ सेकेंड वन इस क्या था पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो पहला डाया था, दूसरा क्या हो गया पैरा, तो दो सब्सटेंस विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है एक लाइन की परिभाषा, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वह सारे सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होंगे जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या हो रहे हैं आकर्षित हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हो दो हो तीन उससे मतलब नहीं है, जिसमें एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या होगा अट्रैक्टेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्लियर हो रहा है। एग्जांपल देख लो, ऑक्सीजन, ये पूछता है, इसको कई लोग डायमैग्नेटिक बताते हैं लेकिन मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो क्लास में पढ़ाया था 11th में, मैं वीडियो केमिकल बॉन्डिंग का भी बनाऊंगा उसमें मैं दिखा भी दूंगा कि यह डायमैग्नेटिक नहीं है, यह क्या होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, क्लियर हो रहा है। TiO, वेनेडियम ऑक्साइड एक्सेट्रा, वेनेडियम ऑक्साइड, ठीक है, तो दो सब्सटेंस विच इज अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड एंड कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। अब अगला टॉपिक है तीसरा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मिटा रहा हूं मैं, तीसरा होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वह सब्सटेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, इस सब्सटेंस या इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो यह क्या होगा चुंबक की तरफ आकर्षित होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र को हटाएंगे तो यह पदार्थ स्वतः चुंबक की तरह काम करने लगेगा, इस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्लियर हो रहा है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दीज सब्सटेंस शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इज नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्लियर हो रहा है। तो वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होता है और लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर वह स्वतः चुंबक की भांति कार्य करता है, उसको हम क्या बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें भी क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होती है और इसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं सारे इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के एक ही डायरेक्शन में क्या होंगे सेम डायरेक्शन में अलाइन होंगे। तो पूछता है कि यह किस सब्सटेंस का रिप्रेजेंट करता है, बोलो फेरोमैग्नेटिक, अगर सारा मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा यह सब्सटेंस क्या कहलाएगा फेरोमैग्नेटिक, क्या कहलाएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्लियर हो रहा है। एग्जांपल देख लो, क्रोमियम का ऑक्साइड है CrO2, क्लियर हो रहा है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वह सब्सटेंस होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक की भांति कार्य करता है लेकिन चुंबक हटा देने पर वह परमानेंट मैग्नेटिज्म की तरह काम करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्लियर हो गया। अगला है मिटा रहे, ठीक है,
अगला होगा एंटी, एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। ये देखो, इस सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद इसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। एकदम याद हो, जिस सब्सटेंस के मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है उसको क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। क्यों जीरो होती है, क्योंकि एक का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होगा दूसरे का क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो या एक दूसरे को जीरो कर देंगे या क्लॉकवाइज फिर या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह का अगर मैग्नेटिक मूवमेंट का रिप्रेजेंटेशन होगा तो वह कौन सा सब्सटेंस होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बात समझ में आ गया, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, MnO, MnO2O3, Cr2O3, V2 वेनेडियम ट्राइऑक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है। सब एनसीईआरटी में एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, दो तीन एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। Cr2O3, तो वह सब्सटेंस जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है, क्यों, क्योंकि अलाइनमेंट इलेक्ट्रॉनों का एक क्लॉकवाइज होता है, क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर हो रहा है। लास्ट क्या है, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। लास्ट क्या है, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। इसका देखो ना डिफरेंस, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होती, बहुत ही कम होती है। क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, फेरीमैग्नेटिक। क्यों कम होती है, इसमें मान लीजिए कोई डायरेक्शन होगा, कुछ क्लॉकवाइज होंगे, कुछ क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज, कोई क्लॉकवाइज, फिर क्या होगा, कुछ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसमें कोई सिमेट्रिकल अलाइनमेंट या सिमेट्रिकल अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल एक ही है, Fe3O4, नाम एग्जाम्पल रख लीजिएगा, यह क्या कहलाएगा, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यह क्लास, यह प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड जो होता है वह कितने प्रकार का होगा, पांच प्रकार का, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फिर बोलो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, सॉरी फेरो हो गया, एंटी फेरो हो गया, और पांचवा क्या है, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। और अगला जो अब प्रॉपर्टी है वह डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, क्या है, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। बस 5 से 7 मिनट और चैप्टर समाप्त होएगा, मिटा रहा, ठीक है। देखो सी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ध्यान समझो सर, वह क्रिस्टल, ध्यान देना बेटा, वह क्रिस्टल,
सॉरी वह क्रिस्टल TAL, ठीक है, वह क्रिस्टल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ना हो, ठीक है, ध्यान समझिएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ना हो। कहने का मतलब वह पदार्थ या वह विद्युत रोधी क्यों बोल रहे हैं, विद्युत रोधी या वह पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ना हो, क्यों, वह क्रिस्टल या वह पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ना हो। अब क्वेश्चन उठता है कि क्रिस्टल से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका कारण क्या है कि इस क्रिस्टल में जितने भी आइटम, ध्यान सुनिएगा, इस क्रिस्टल में जितने भी आइटम या आयंस, आइटम भी हो सकते हैं या आयंस भी हो सकते हैं, आइटम होगा एटॉमिक सॉलिड होगा, आयंस होगा तो आयनिक सॉलिड होगा, ठीक है, तो इसके जितने भी आइटम्स या आयंस होते हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह इलेक्ट्रॉन्स इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह न्यूक्लियस के द्वारा क्या होते हैं, एक मिनट, न्यूक्लियस के द्वारा टाइटली TIGSTLY टाइटली है, नहीं समझ में आ रहा, मैं कह रहा हूं कि विद्युत रोधी या वह क्रिस्टल या वह पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, तो क्वेश्चन उठ सकता है कि क्यों नहीं पास होता। आप क्या कहेंगे कि सर ऐसे पदार्थों से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा क्योंकि ऐसे क्रिस्टल या पदार्थों में जो आइटम या आयंस होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह न्यूक्लियस के द्वारा बहुत टाइटली बंधे होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, देखो यहाँ पर यह न्यूक्लियस हो गया या इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो इस स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स के कारण यह इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाता है, तो जब फ्री नहीं हो पाएगा तो ऐसे सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा, क्लियर हो रहा है। अब देखो, तो ऐसे सब्सटेंस, तो जब ऐसे सब्सटेंस में कोई बाहरी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंस को हम कहां रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं, तो ऐसे क्रिस्टल या सब्सटेंस में क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, पोलराइजेशन, कैसा पोलराइजेशन, क्योंकि इसके एटम में न्यूक्लियस होगा इलेक्ट्रॉन होगा तो न्यूक्लियस एक तरफ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक तरफ आ जाएगा, अब पोलराइजेशन की वजह से क्या बना लेगा, डाइपोल का फॉर्मेशन कर लेगा, नहीं समझ में आया, मैं फिर समझा रहा हूं कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो सकता है, तो ऐसे सब्सटेंस को जब हम एक्सटर्नल या बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस सब्सटेंस में आइटम के न्यूक्लियस एक तरफ हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ हो जाएंगे, देखो यहां पर यह न्यूक्लियस प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन एक साइड में हो गया, तो इसकी प्रोसेस क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, तो पोलराइजेशन की वजह से इस क्रिस्टल या सब्सटेंस में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डाइपोल का, एक पॉजिटिव पोल और एक निगेटिव पोल, इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल, नहीं समझ में आ रहा, तो इन्हीं डाइपोल की प्रॉपर्टी के आधार पर जो सॉलिड होता है वो जनरली कई प्रकार का होता है, पहला क्या होगा, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होगा पाइरो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड, तीसरा होगा फेरो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड, चौथा होगा एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड, समझ में आ रहा है, मैं फिर समझा रहा हूं, जिन क्रिस्टल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, कोई पूछेगा क्यों नहीं फ्लो होगा, तो आप क्या कहेंगे, उन क्रिस्टल या सॉलिड में जितने भी आइटम या आयंस होंगे उन एटम या आयंस के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह न्यूक्लियस से स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा क्या होंगे, आकर्षित होंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो नहीं पाएगा, जब फ्री हो नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसों को जब हम एक्सटर्नल या बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ऐसे सब्सटेंस में क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, न्यूक्लियस एक तरफ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाएगा, इस क्रिया को बोलते हैं पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, डाइपोल का, तो इस डाइपोल के फॉर्मेशन के आधार पर सॉलिड कितने प्रकार का होगा, चार, पीजो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड, पाइरो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड, फेरो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड और एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड, क्लियर हो रहा है, आइए इसको देख लेते हैं, चैप्टर समाप्त करते हैं।
पाइजो इलेक्ट्रिसिटी सॉरी क्या होता है, जब ऐसे क्रिस्टल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना करे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, तो ऐसे क्रिस्टल में हम मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, मतलब इसके ऊपर हम वार करते हैं हथौड़ी से, हम किसी भी भारी चीज से क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस पहुंचाते हैं। तो मैकेनिकल स्ट्रेस पहुंचाने की वजह से यह क्रिस्टल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा। डिस्ट्रेस मतलब, एक मिनट रुक जाओ, लिखते हैं, डिस्ट्रेस हो जाएगा मतलब विकृत हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अपने आकार से क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। और डिस्ट्रेस होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और जब फ्री हो जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड, और इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हुआ? मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, ऐसे क्रिस्टल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उस क्रिस्टल में हम क्या अप्लाई करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस, मतलब इसके ऊपर हम वार करेंगे, किसी भारी चीज से वार करेंगे, जिसकी वजह से यह क्रिस्टल डिस्ट्रेस हो जाएगा। डिस्ट्रेस मतलब विकृत, अपनी आकृति से खराब हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो जब विकृत होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूक्लियस से दूर छटक के जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो होगा। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे सॉलिड क्या बोलते हैं, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगला देखो, दूसरा है पाइरो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर वही लेंगे, वही क्रिस्टल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो न करे, नॉट फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने से इलेक्ट्रॉन हल्का से इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, पाइरो इलेक्ट्रिसिटी सब्सटेंस, और ऐसे सॉलिड को क्या बोलेंगे, पाइरो इलेक्ट्रिक सॉलिड। क्या बोलेंगे, पाइरो इलेक्ट्रिक सॉलिड। क्लियर हो रहा है? बोलो, तो पाइरो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कि ऐसे क्रिस्टल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो न करे उसको हम क्या करें, हीट करके उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट क्या करें, फ्लो करा दें, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, पाइरो इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो रहा है? अब है फेरो इलेक्ट्रिसिटी, मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, फेरो इलेक्ट्रिसिटी, फेरो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ध्यान समझो, वो कुछ है नहीं, बहुत आसान है। जिस क्रिस्टल में नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तब इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, ऐसे क्रिस्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या बनेगा, डाइपोल बनेगा। क्या बनेगा, डाइपोल। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो गया, डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे, हटा लेंगे, तो जब हटा लेंगे तो यह परमानेंट डाइपोल बन जाएगा, मतलब अब यह परमानेंट, मतलब इसका जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद जो डाइपोल का फॉर्मेशन होगा वो तो होगा ही, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हटाएंगे तो डाइपोल का फॉर्मेशन डिस्टर्ब नहीं होगा, वह डाइपोल स्वतः परमानेंट के लिए बन जाएगा। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, फेरो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे, फेरो इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल देखो, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको बोलते हैं रॉसल सॉल्ट। क्या बोलते हैं, रॉसल सॉल्ट। इसका फॉर्मूला होता है C6H4KNaO6। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्लियर हो रहा है? अगला है
एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी, इसको मिटा रहा हूँ, क्लियर हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे जो डाइपोल का फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हटाने पर भी डाइपोल क्या होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा और डाइपोल स्वतः परमानेंट के लिए हो जाएगा, ऐसे को क्या बोलेंगे, फेरो इलेक्ट्रिसिटी, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी तो कुछ नहीं है, वही क्रिस्टल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे लेकिन डाइपोल की वैल्यू क्या होगी, जीरो आएगी, डाइपोल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक ही एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं लेड जर्कोनेट, लेड जर्कोनेट PbZrO3, जिसका डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, एंटी, समझ में आ रहा। तो यह पूरा फिनिश हो गया चैप्टर, पूरी प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर, मैग्नेटिसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर और डाइलेक्ट्रिक के आधार पर। तो यह दो चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया, पहला हमने समाप्त किया सोलूशन, दूसरा हमने समाप्त किया सॉलिड स्टेट। अब मैं शुरू जो चैप्टर करूँगा उसके साथ साथ, नया चैप्टर जो मैं शुरू करूंगा ही करूंगा, उसके साथ साथ मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, जिसके जिससे कंपटीशन में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, जिससे आप सेकेंड ईयर में भी आसानी से पढ़ लेंगे, बीएससी के बच्चे भी हमारे आसानी से ऑर्गेनिक समझ सकते हैं, ठीक है। तो यह दो चैप्टर समाप्त हो गया, किसी को कोई भी क्वेश्चन दिक्कत हो आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।